आप सोच नहीं सकते उससे भी तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट कर रही है। जी हाँ, लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं। जीएमएच न्यूज चैनल में भी हमने लगातार आपको आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें दी है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बैल को दबा लीजिए, क्योंकि जेएमएच न्यूज चैनल हैक हो गया, इस कारण से हम खबरें उसमें दे नहीं पा रहे हैं। अब आपको नवनीत जेएमएच में ही आंगनबाड़ियों से जुड़ी प्रत्येक खबरें दे रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी हैरानी वाली है बात निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना काल का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ियों के प्रति मानवता नहीं निभा रही है, बिल्कुल भी रवैया मानवता का नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट का जो फैसला था कोर्ट में विचाराधीन था, अब खबर आई है कि उसके अनुसार मामला जो हाई कोर्ट में विचाराधीन था उसमें याचिका खारिज कर दी गई। अब सरकार उत्तर प्रदेश की जो है शासनादेश के तहत अधिकारी नियम का पालन कराने लगे। अधिकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कम से कम आंगनबाड़ी कर्मियों को कुछ राहत दे दी जाए। जब तक कोरोना चल रहा है तब तक तो राहत दे ही दी जाए। आपको बता दें, इन कर्मियों को रिटायरमेंट करने का सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम आपको लगातार खबरें दे रहे हैं, पर डे सैकड़ों आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है और इसी के साथ ही PFMS प्रणाली जो है इसके तहत इनका भुगतान होता है और इस प्रणाली के तहत इनके भुगतान की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जा रही है। ये तो बड़ी बात हो गई है, मानवता के नाम पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है। कोरोना काल में इतनी तेज़ी से आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट होना कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुख का संकेत दे रहा है उन कर्मियों के लिए, उन परिवारों के लिए जो आर्थिक संकट से पहले से जूझ ही रहे थे। अब ऐसे में उनके सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। दोहरी समस्या इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि कोरोना काल के समय इनके परिवार अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इन लोगों को रिटायरमेंट तो सरकार ने कर दिया, इसी के साथ ही वेतन भी रोक दिया। अब ऐसे में इनके परिवार कैसे खर्चा चलाएंगे? हालांकि मानदेय समय पर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे एक आध दो महीने का मानदेय मिल जाता तो उसमें खर्चा कैसे तैसे कर लेते थे लोग। अब ऐसे में सरकार ने मानदेय भी ख़त्म कर दिया, नौकरी से भी हटा दिया, अब इनके परिवार का क्या होगा? दुख की बात यह है, मानदेय नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम एक मुश्त राशि तो इनको मिलनी ही चाहिए, ताकि ये कुछ सालों तक जब तक जीवित है तब तक जीवन यापन कर सकते हैं। 5 से 10 लाख रुपए कम से कम दिए जाने चाहिए थे। लगातार मांगे उठ रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं देख रही है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें बहुत सारे इस खबर को देखेंगे, देखने के बाद इस खबर को बंद कर देंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे। आप लोग भूलिए मत, आप भी 62 साल के जब होंगे तो आपको भी रिटायरमेंट किया जाएगा, और आप जब रिटायर होंगे तो आपको भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको भी वही दुख लगेगा जो आज 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी को जो रिटायर किया गया उनको दुख लग रहा है। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध, प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक इस खबर को पहुंचाइएगा। पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुपों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। आंगनबाड़ियों के हित के लेकर हम लगातार मुद्दे उठाते रहते, समस्याएं बताते रहते, प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जागरूक करें। बस आप लोगों को शेयर करना है इस खबर को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को दबाकर। बस आपसे छोटा सा अनुरोध है, लाइक जरूर किया करें ताकि हम आंगनबाड़ियों के हितार्थ ऐसी समस्याएं उठाते रहें और उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोलते रहें। जी हाँ, पोल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर इतनी तेज़ी से समझ में नहीं आ रहा, इतनी तेज़ी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को समाप्त क्यों किया जा रहा है? शासनादेश का सबसे ज़्यादा पालन सिर्फ ICT विभाग में देखने को मिल रहा है और अन्य विभागों में इतनी जल्दी शासनादेश का पालन नहीं होता है। कई योजनाएं चल रही हैं, वो भी खाना पूर्ति के नाम पर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ICDS विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी जो काम कर रही है उनको लेकर शासनादेश पूरा कराने पर जुटी हुई है। कितनी तेज़ी से शासनादेश के तहत अधिकारी काम कर रहे हैं। वैसे अन्य कोई योजनाएँ हो, गरीबों को लाभ पहुँचाने वाली योजना हो, तो अधिकारियों की फाइलें नहीं जाती हैं। एक फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान फाइल जाने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन लगातार इस मामले को लेकर इतनी तेज़ी क्यों दिखाई जा रही है? अगर तेज़ी दिखानी है तो सरकार को एक नियम भी चाहिए, ताकि इन कर्मियों के लिए भरण पोषण के लिए कम से कम प्रोत्साहन राशि या भत्ता के तौर पर दिया जाना चाहिए था, पेंशन के तौर पर दिया जाना चाहिए था, या फिर रिटायरमेंट के समय एक मुश्त ऐसी राशि दी जानी चाहिए थी ताकि इनका भरण पोषण हो सकता। कम से कम कोरोना काल को देखते हुए इनकी मांग सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस कारण से इस खबर को हमें बनाना पड़ रहा है और आंगनबाड़ी बहनों को जगाना पड़ रहा है। चाहे वह कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या फिर मिनी हो, आप समझ लीजिए आज इन आंगनबाड़ी बहनों के साथ ये हुआ है, कल आपके साथ भी यही होगा। इसलिए भविष्य को देखते हुए एकजुट रहिए, सरकार को दबाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर सरकार को आज आपने नहीं दबाया तो निश्चित तौर पर सरकार आपको दबा लेगी।
ये बात सच्चाई है, क्योंकि सरकार ने अगर 62 साल में रिटायरमेंट कर दिया फ्री में, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए ये प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी के साथ होगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर शासनादेश में कहा है जो भी 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे उनका वेतन और सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जो भी आंगनबाड़ी कर्मी धीमे धीमे आपकी उम्र भी 62 वर्ष होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार से मांग रखिए, आज एकजुटता बहुत ही जरूरी है और सभी आंगनबाड़ी वर्कर एकजुट रहिएगा। निश्चित तौर पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करिए। निश्चित तौर पर सरकार तो अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन आप लोगों का दायित्व है कि सरकार के होश ठिकाने लाना, सरकार को अंदाजा लगे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स में कितनी ज़्यादा एकता है और उनको जो कमज़ोर समझने की कोशिश कर रही है सरकार, निश्चित तौर पर उसके सामने एक बड़ी चुनौती हो जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम रिटायरमेंट के समय 5 से 10 लाख रुपए सरकार देने पर विवश हो जाए, ताकि अगर कल के दिन आप भी 62 वर्ष में रिटायर होते हैं तो आपकी भी मांगे हैं जो आपने जो आज मांगे मनवा ली हैं वो आपको ही फ़ायदा देंगी फ्यूचर में, इसलिए आज बहुत ही ज़रूरी है आपको मांगे मनवा लें। चलिए खबर बता देते हैं आपको, गोरखपुर ज़िले में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त होगी, ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें जल्द ही करीब 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नौकरी जा सकती है, गोरखपुर से खबर है। योगी आदित्यनाथ का भी क्षेत्र है, शासन के निर्देश पर ऐसी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सूची तैयार हो रही है। आपको बता दें ये सूची सिर्फ एक जगह, दो जगह या चार जगह तैयार नहीं हो रही है, सभी जगह तैयारियां हो रही है। इतनी तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं कि मान लीजिए जैसे शादी का समय होता है घर में तो तैयारियाँ होती हैं, ऐसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रिटायरमेंट को लेकर सरकार के अधिकारी इतने ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, वाकई में कमाल की बात है। इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, इसके बावजूद भी अधिकारी शासन प्रशासन आंगनबाड़ियों पर जुल्म ढाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ियों की सूची तैयार हो रही है और इस क्रम में उनके मानदेय भुगतान को अनियमितता की श्रेणी में माना गया है, यानी कि अब इन्हें आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय भुगतान नहीं होगा। आपको बता दें शासन की ओर से पत्र आने के बाद यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जो इन्होंने सभी ब्लॉकों में पत्र भेजकर ऐसी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सूची तैयार करने के लिए कहा है जिन्होंने 62 साल की उम्र पूरी कर ली है। कुछ स्थानों से नाम आ गए हैं, शेष जगहों से भी जल्द देने के लिए कहा गया है। जिन केंद्रों पर कार्यकर्ता सहायिका की नौकरी जाएगी वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका चली जाएंगी तो वो केंद्र कैसे संचालित होगा, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी, खैर ये तो देखने वाली बात होगी किस तरीके सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने JMH न्यूज़ चैनल में दिखाया था कि आंगनबाड़ियों की वैकेंसी निकली है और सरकार भर्ती कर रही है, हालांकि उस वैकेंसी को लेकर मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। सरकार ने सोचा क्यों ना पहले जो शासनादेश के तहत कार्रवाई है, कोर्ट हाईकोर्ट ने सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई। इसीलिए सरकार रिटायरमेंट को मामले को लेकर ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है और रिटायरमेंट की प्रक्रिया के बाद निश्चित तौर पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट किया जाना ठीक है, उचित है, जायज है, हम ये कहें, क्योंकि जब रिटायरमेंट नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया भी नहीं होगी और बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स ऐसे हैं जो 70 साल की उम्र भी प्राप्त कर चुके हैं, उनके शरीर में अब चलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी वह काम कर रहे हैं, तो ऐसे समझा जा सकता है कि वह वर्कर्स कैसे काम करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि उन वर्कर्स को अगर आप रिटायरमेंट कर रहे हैं, इतने सालों से वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको भले ही राज्य कर्मचारी का दर्जा ना मिला हो लेकिन काम वह राज्य कर्मचारियों वाले करते हैं, योजना केंद्र सरकार की है लेकिन वह काम सभी राज्य और केंद्र सरकार के करते हैं, इसके बावजूद भी उनको दर्जा अगर केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को ना मिले तो इससे बड़ा दुख क्या होता है। तो इसी कारण से रिटायरमेंट आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, रिटायरमेंट सरकार को करना चाहिए और एक समय पर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक मुश्त राशि या पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, यहाँ पर इस मामले को लेकर हम मुद्दा उठा रहे हैं। आखिरकार सरकार उत्तर प्रदेश की 5 से 10 लाख रुपए और इसी के साथ ही कम से कम पेंशन या तो 5,000 रुपए पेंशन मासिक बांध दे, ताकि आंगनबाड़ियों का जो आंगनबाड़ियों की समस्या है 3,000 कर दे, देखिए 5,500 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, तो आधी पेंशन दे दे, इसी हिसाब से अगर महीने का आंगनबाड़ियों को मिलता रहे तो निश्चित तौर पर दुख की बात नहीं होगी और रिटायरमेंट भी उनका अच्छे से कट जाएगा। लेकिन अगर खाली हाथ रिटायरमेंट किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर दुख का विषय है।
आपको बता दें जिन केंद्रों पर कार्यकर्ता सहायिका की नौकरी जाएगी वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था होगी। सेवा समाप्ति के बाद नए कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति भी उसी जगह पर होगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आप लोगों में एकता की बहुत ज़्यादा कमी, आंगनबाड़ी बहनों में एकता होनी चाहिए। आज प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर्स इस खबर को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, आपकी एकजुटता बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स कार्यकर्ता मिनी सहायिका जो भी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपके मुद्दे को लेकर हम आवाज़ उठाते रहें, आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहें। आप किसी भी क्षेत्र से हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑल इंडिया आप आंगनबाड़ी वर्कर हो, आप सभी लोगों की मांगें इस चैनल के माध्यम से उठाई जाएंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की कार्यशैली पर सवाल हो गए। ये देखिए खबर आगे आपको बता रहे हैं, विशेष सचिव ने कहा है कि कुछ कार्यकर्ता या सहायिका अपने निर्धारित स्थान पर नहीं रहती हैं। विभागीय कार्यों के लिए उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए लेकिन डाटा फीड की स्थिति को संतोषजनक नहीं पाया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इस लॉकडाउन में टोटल सरकार समर्पित हो गई है आंगनबाड़ियों के प्रति। जो आंगनबाड़ियां लापरवाही कर रही हैं उनको लेकर भी सरकार कह रही है कि उनको भी चिन्हित किया जाए और जल्दी पूरे जिले से डाटा तैयार कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश पर 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का विवरण जुटाया जा रहा है और उन्हें मानदेय भुगतान को अनियमितता की श्रेणी में माना जा गया है। कुछ स्थानों से विवरण प्राप्त हो गए हैं, अन्य जगह से भी जल्द आ जाएगा। इसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। आज प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपसे एक सवाल है नवनीत जेएमएच का, क्या 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन या फिर एक मुफ्त राशि मिलनी नहीं चाहिए? कमेंट में यस या फिर नो में जवाब दीजिएगा। और आज जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स इस खबर को देख रहे हैं प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर्स का आज जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं जागेंगे, जवाब नहीं देंगे, कल आपके साथ भी यही होने वाला है। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर्स जवाब दीजिए, इस खबर को शेयर करिए, अत्यधिक शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो समस्याओं को लेकर हम लगातार आपकी मांगों को, आपकी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबरें फिर से। नमस्कार।